हेलो फ्रेंड्स, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जितना ज़रूरी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम है, उतना ही ज़रूरी ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, हमारा बॉडी इसे खुद नहीं बना पाता है। ये एक पॉली अनसेचुरेटेड फैट होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे बॉडी के लिए एक मुख्य पोषक तत्व है, जिसे हम लोग अधिकांशतः इग्नोर करते आ रहे हैं। हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दें कि ओमेगा 3 जो होता है, ये तीन तरह का होता है और ये वेज में और नॉन वेज दोनों में पाए जाते हैं। वेज में पाए जाने वाला ओमेगा 3 जो है वो ALA के नाम से जाना जाता है, और नॉन वेज में पाए जाने वाले ओमेगा 3 का नाम है DHA और EPA। अब यहाँ बात ये आती है कि वेज में जो ओमेगा 3 पाया जाता है वो ज़्यादा बेटर होता है हमारे बॉडी के लिए, या नॉन वेज में पाया जाने वाला ओमेगा 3 ज़्यादा बेटर होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर DHA और EPA जो कि नॉन वेज में पाया जाता है वो ज़्यादा बेटर होता है हमारे बॉडी के लिए। बट यहाँ हम ये क्लियर कर दें आपको, जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग कैसे इसकी कमी को पूरा करें, क्योंकि मार्केट में तो अधिकांशतः ओमेगा 3 जो है फिश ऑयल के रूप में, मछली में चूँकि इसका काफ़ी अच्छा स्रोत है, और फिश ऑयल से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो कि वेजिटेरियन लोग इसे नहीं ले सकते हैं। तो आखिर इसकी कमी को कैसे पूरा किया जाए, तो हम आपको यहाँ बता दें कि ALA जो ओमेगा 3 होता है वो कन्वर्ट होता है EPA और DHA में, और उसके बाद ये काम करता है। तो यहाँ पर एक हम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे दोस्तों, और इस प्रोडक्ट का नाम है ओमेगा डॉग कैप्सूल। ओमेगा डॉग कैप्सूल जो है ये अलसी के द्वारा बनाया हुआ है, और काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्टेंट ये प्रोडक्ट है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ओमेगा डॉग कैप्सूल ये एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी EWPL कंपनी का ये प्रोडक्ट है। डेली आपको इसको एक या दो कैप्सूल पर डे लेना है, एज पर फिजिशियन या हेल्थ एक्सपर्ट जो भी एडवाइस करते हैं उनके हिसाब से। और इस प्रोडक्ट को जब आप परचेज कर लेते हो, तो इसको जब यूज कर रहे हैं तो इसको हमेशा ड्राई और कूल प्लेसेस पे ही रखना है, और डायरेक्ट जो सनलाइट है उससे बचाकर हमको रखना होता है। और इसके पैक को हमेशा, ढक्कन को हमेशा टाइट बंद करके रखिए ताकि हवा इसमें न जा सके और ख़राब ना हो सके। और ये जो प्रोडक्ट है ये स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है 30 डेज़ के लिए, 30 डेज़ में ही इस्तेमाल करना है इसको। 60 कैप्सूल का ये प्रोडक्ट है, और पर डे आपको दो कैप्सूल लेना है, एज यू विश, चाहे सुबह में एक और शाम को एक लीजिए, या दो एक साथ लीजिए। और एक चीज़ और है, थोड़ा प्रिकॉशन है इसमें कि नॉट टू बी कंज्यूम्ड बाय प्रेग्नेंट वूमेन, इसको प्रेग्नेंट वूमेन को इसको कंज्यूम नहीं कराना है, इस प्रोडक्ट के लिए खास तौर बोला गया है। तो दोस्तों, यहाँ ओमेगा 3 के दो अलग अलग स्रोत आते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मांसाहारी स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जो हैं जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ हुई, पालक हुआ या फूलगोभी हुआ, ये सब जो सब्जियाँ हैं इनमें ओमेगा 3 काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा सरसों का तेल हुआ, अलसी का तेल हुआ, या सरसों या अलसी में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, अखरोट में पाया जाता है, ड्राई फ्रूट्स में ओमेगा 3 पाया जाता है। और ओमेगा 3 काफ़ी ज़बरदस्त हमारे बॉडी के लिए होता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, माइंड के लिए अच्छा होता है, आँखों के लिए अच्छा होता है। ओमेगा 3 ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, मोटापा को घटाता है, आँखों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, स्किन को इस मुलायम रखता है, नमी युक्त बनाए रखता है, झुर्रियों से ये मुक्त रखता है स्किन को, ताकि हम जैसे ये एंटी एजिंग इसको कह सकते हैं, हम हमेशा जवान दिखते हैं। और दिल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, ये जो गुड HDL कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको ये बढ़ाता है ओमेगा 3। अलावा हमारे हड्डियों के लिए, जो कि जोड़ों में दर्द यदि हो रहा है तो उसमें भी ये काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। यदि आप रेगुलरली ओमेगा 3 से रिलेटेड खाद्य पदार्थ यूज कर रहे हैं तो पुराने से पुराने गठिया हुआ या दर्द हुआ, जोड़ों में सूजन हुआ, उसमें काफ़ी राहत हमको मिलती है। और है दोस्तों जो कि मैं बताना चाहूँगा आपको, एक्चुअली ओमेगा 3 आपके डेली कितना चाहिए, इस तरह का भी क्वेश्चन आया था, तो इसके लिए मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा कि ओमेगा 3 किसको कितना इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप सप्लीमेंट के रूप में यदि इस्तेमाल कर रहे हो, फूड प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको पर डे कितना यूज करना चाहिए, कितना कंज्यूम करना चाहिए, या यदि आप एथलीट्स हैं या एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो आपको कितना कंज्यूम करना चाहिए, और यदि आप
शाकाहारी हैं और खाद्य पदार्थों से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसे भोजन में कितनी मात्रा में शामिल करना है ओमेगा 3, क्योंकि किसी भी पोषक तत्व का यदि हमारे बॉडी में हम अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए हमें कितनी मात्रा में कैसे यूज करना है इसकी जानकारी हमको अच्छे से होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊँगा खासतौर को इसी बात को ध्यान में रख के बनाऊँगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है उसको कितनी मात्रा में हमको और कौन कौन से लोगों को, जैसे यहाँ पर लेबल डिज़ाइन करके बताऊंगा मैं कि एक नॉर्मल इंसान को कितना यूज करना चाहिए या एथलीट्स जो हैं उनको कितना यूज करना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा ये कॉमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। किसी तरह का सवाल होगा तो कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।